ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सहारन, इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, साइंस जो हमारी पहले से चलती आ रही थी, उसी के नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे लवक प्लास्टिड, जो कि इससे पहले वाली क्लास में भी हमने लवक के बारे में पढ़ा था, उसी लवक को आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे कि कैसे होता है लवक, क्या होता है क्या नहीं। तो हमने लवक के बारे में बात की थी कि लवक यानी प्लास्टिड, हमने पहले बात की थी कि लवक की खोज किसने की थी, खोजकर्ता इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ कि खोज किसने। तो देखो, खोजकर्ता इसका था हीकल। खोज किसने की थी बच्चों? हीकल ने। बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया था कि लवक की खोज किसने की थी? हीकल ने। नॉर्मल सी बात है भाई, याद करने के तरीके बदलिए, अपने आप सब कुछ याद होगा। साइंस से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ याद होगा, अपने आप याद होगा, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिना देखे समझे सिर्फ सुनना है, सुनने से याद हो जाएगा। देखिए हम क्या कहते हैं, लवक की खोज किसने की? हीकल ने। इससे देखो, खोजकर्ता सारे के सारे लिखते हैं हम राइट साइड में, परंतु एक का थोड़ा सा पहले लिख दिया, लवक की खोज किसने? हीकल ने। सिर्फ याद करने के लिए बोलने का तरीका बदलिए अपने आप। कैसे बोलेंगे? हीकल ने लवक की खोज की थी। बोलने का तरीका बदलना है, हीकल ने लवक की खोज की थी। क्या बोले? हीकल ने लवक की खोज की थी। इसी लवक के बारे में हमने कहा था कि लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में जो लवक पाए जाते हैं वो हमारे वर्णकों के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, यानी रंग प्रदान करने वाले जो वर्णक होते हैं उनके आधार पे कितने प्रकार के? तीन प्रकार। सबसे पहले हमने पढ़ा था अवर्णी लवक, जिसमें कोई रंग नहीं पाया जाता, वो कौन सा कहलाता है? अवर्णी। दूसरा पढ़ा था हमने वर्णी लवक, जिसमें हमारे हरे रंग के अलावा जितने भी वर्णक होते हैं वो सारे के सारे पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्णी लवक, यानी क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे प्रकार का हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट हमारा। तो हमने अवर्णी लवक पढ़ा था। सेकंड टाइप का अगर लवक देखा जाए हमारा, तो कौन सा होता है? वर्णी लवक। कौन सा बच्चों? वर्णी लवक हमारा। कौन सा? वर्णी लवक। वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है बच्चों? क्रोमोप्लास्ट होता है। कौन सा? क्रोमो मीन्स होते हैं रंग प्रदान करने वाले। क्या होते हैं बच्चों? रंग प्रदान करने वाले। रंग प्रदान करने वाले यानी जो हरे रंग के अलावा रंग देंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए कि ये जो वर्णी लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये पादपों में पाए कहाँ कहाँ जाए, तो ये पादपों में कहाँ पाए? तो पादपों के पुष्पों में पाए जाते हैं। पुष्पों कह दो, फूलों कह दो, बात है, फ्लावर्स की जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है हमारा? पादप के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो पंखुड़ियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? भिन्न भिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं। वो किसके कारण से होते हैं? इसी वर्णी लवक के पुष्पों में। इसके अलावा कह सकते हो फलों के छिलकों में, इसमें फलों के छिलकों में भी पाया जाता है जी। जो आउटर लेयर होती है, छिलके होते हैं, फल लिख सकते हो आप, फलों के छिलके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फल भी भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं हमारे, जबकि फलों का जो छिलका होता है, जो ऊपर का आउटर लेयर होती है, वो भी क्या होता है हमारा? भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों के। तो किस में पाए जाते हैं? पादपों के पुष्पों या फलों और फूलों में, दोनों में कह सकते हो। फलों और फूलों दोनों में क्या पाए जाते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं। अब एग्जाम में हमसे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने कि कौन सा वर्णक कौन सा रंग प्रदान करता है, उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं और आगे पूछे भी जाएंगे बार बार। देखिए कि कौन कौन से किसमें। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा, आप आंसर वही दोगे। देखिए हमें कुछ ध्यान रखना है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है, गाजर का लाल रंग पूछ लिया जाए ना हमसे बच्चों कि गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है,
जो गाजर है, गाजर सभी ने खाई है, सभी को पता है कि लाल रंग की होती है। गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है? सभी का शायद जो साइंस के उन्होंने भी रट्टा मार रखा है, केरोटिन के कारण से। केरोटिन के कारण से बहुत ही अच्छा आंसर है आपका, केरोटिन। परंतु एग्जामिनर अब थोड़ा सा होशियार हो चुका है, हमसे वो थोड़ा आगे कदम रख रहा है, इसलिए वो गाजर का लाल रंग लिख के आगे चार ऑप्शन में देगा। अब बताना, वो दे देगा जी अल्फा केरोटिन, बीटा केरोटिन, डेल्टा केराटिन, गामा केरोटिन। अब बताइए कौन सा केरोटिन होगा। तो इसलिए गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो हमें ध्यान रखना है ये होता है बीटा केरोटिन के कारण से। किसके कारण से? बीटा केरोटिन के कारण से। केरोटिन तो वर्ड हमें ध्यान है ही है कि गाजर का लाल रंग केरोटिन के कारण से होता है, परंतु कौन से केरोटिन के कारण से? तो कौन सा होता है? बीटा। देखिए सभी को पता है तीन सिंबल होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा और तीन, हमारे अल्फा बीटा गामा, वही जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से तीन किरणें निकलती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो अल्फा बीटा गामा ये सिंबल होते हैं। यहाँ बीटा केरोटिन की संरचना बीटा प्रकार की होती है, यानी इनकी संरचना अलग अलग होती है थोड़ी सी, इसी कारण से गाजर का लाल रंग किसके कारण से पाया जाता है? बीटा केरोटिन। सारे के सारे याद करवा दूंगा कि कैसे है कैसे नहीं हमारा। गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है? बीटा। अगर आपसे पूछ लिया जाए टमाटर का लाल रंग किसके कारण? टमाटर का लाल रंग, अरे टमाटर तो देखे होंगे सभी ने, आजकल खूब सारे चल रहे हैं। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है हमारा? तो ये लाइकोपिन वर्णक होता है। कौन सा होता है बच्चों? लाइकोपिन वर्णक होता है। कौन सा? लाइकोपिन वर्णक। तो गाजर का लाल रंग बीटा केरोटिन के कारण से, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से? लाइको। देखो रंग दोनों ही लाल है, परंतु दोनों का वर्णक क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार का है। एक मत कर देना कि सर गाजर भी लाल रंग की है और टमाटर भी लाल रंग का है, दोनों के लाल रंग में भी डिफरेंस होता है, कुछ अंतर पाया जाता है। तो गाजर का लाल रंग बीटा केरोटिन के कारण से, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन वर्णक के कारण से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बैंगन का बैंगनी रंग किसके कारण से होता है? किसका? बैंगन का बैंगनी रंग। बैंगन का कौन सा होता है जी? बैंगनी रंग होता है। बैंगन तो खाए होंगे सभी ने, बैंगनी रंग किसके कारण से होता है? तो ये होता है बच्चों बीटा बीटानिन के कारण से। किसके कारण से? बीटा बीटानिन के कारण से होता है। किसके कारण से? बीटा बीटानिन वर्णक होता है। कौन सा होता है? बीटा बीटानिन। इसी जो सिंबल बी नहीं लिखा, बी के नीचे थोड़ी सी लंबी लाइन कर दो, क्या सिंबल बनता है? बीटा। इसको बोला जाता है बीटा। क्या कहा जाता है? अल्फा बीटा तो बीटा। तो बैंगन का बैंगनी रंग किसके कारण से होता है? बीटा बीटानिन के कारण से होता है। अगर हमें पूछ लिया जाए गाय के दूध का हल्का पीला रंग, गाय के दूध का हल्का पीला रंग, कौन सा? हल्का पीला रंग। जो हल्का पीला रंग होता है वो किसके कारण से होता है? या मैं लिख दूं आम का हल्का पीला रंग, आम का कौन सा? हल्का। चाहे गाय के दूध का हो चाहे आम का, हल्का पीला रंग हो, हल्का पीला रंग किसके कारण से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा अल्फा केरोटिन के कारण से। किसके कारण से? अल्फा केरोटिन के कारण से पाया जाता है। किसके कारण से बच्चों? अल्फा केरोटिन। देखिए गाजर का लाल रंग बीटा केरोटिन है, जबकि यहाँ पे कौन सा है? अल्फा केरोटिन। इसीलिए कहा था कि अब हमें सिर्फ केरोटिन रट्टा नहीं मारना, अल्फा बीटा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में वो अल्फा बीटा गामा तीनों चारों वर्ड डाल देगा, तो कंफ्यूजन करने के लिए। इसको कहा जाता है बच्चों सिंबल को अल्फा, क्या कहा जाता है? अल्फा केरोटिन के कारण से होता है। अगर हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, हमसे क्वेश्चन पूछ ले हल्दी का पीला रंग, किसका? हल्दी का पीला रंग। किसका बच्चों? हल्दी का पीला रंग पूछ लिया जाए तो ये होता है क्यूमीन के कारण से। किसके कारण से होता है बच्चों? क्यूमीन भी कहा जाता है, करक्यूमीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूमीन या करक्यूमीन के कारण से क्या पाया जाता है? हल्दी का पीला रंग। इतने से एक बार अगर एग्जाम की दृष्टि से याद कर लो तो हमें बहुत है। तो देखिए
गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। बाय द वे भूल जाओ तो सारे के सारे याद करा रहा हूं, याद करने के तरीके आपके हैं, करवाना मेरा काम है। गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है? बीटा कैरोटीन। बाय द वे भूल जाओ तो इस संरचना को क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीटा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? बिट्टू। बीटा को क्या बोल लूंगा? बिट्टू क्रेट भर भर के गाजर खाता है। क्या कहेंगे? बिट्टू क्रेट भर भर के क्या खाता है? गाजर। तभी उसका रंग कैसा है? लाल है। क्या है बिट्टू क्या करता है? क्रेट भर भर के क्या खाता है? गाजर। आपकी और मेरी तरह एक एक दो दो नहीं खाता, पूरा क्रेट भर भर के गाजर खाता है। क्रेट तो समझते होंगे, हाँ जी। तो बिट्टा कैरोटीन यानी बिट्टू क्या करता है? क्रेट भर भर के क्या खाता है? गाजर। तभी उसका रंग कैसा है? गाजर जैसा लाल है। दूसरा देखिए, टमाटर का लाल रंग, ये भी तो लाल ही है हमारा। तो नॉर्मल सी बात है भाई, टमाटर को तो सभी लाइक करते हैं। क्या बोलेंगे? टमाटर को तो सभी लाइक करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? टमाटर को सभी क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तभी इसका रंग कैसा है? लाल। तो टमाटर को सभी क्या करते हैं? लाइक। तो लाइक से क्या बनेगा? लाइकोपिन वर्णक। बैंगन का बैंगनी रंग बीटा विटामिन के कारण से होता है, कोई मुश्किल नहीं है, सारी बातें खुद बता रहे हैं। देखो किसका? बैंगन का। किसका बच्चों? बैंगन का। कौन सा रंग? बैंगनी रंग। कौन सा रंग? बैंगनी रंग। किसके कारण से? बीटा विटामिन के कारण से। किसके कारण से? बीटा विटामिन के कारण से कौन सा होता है? बैंगनी रंग होता है। कौन सा होता है बच्चों? बैंगनी रंग होता है। तो नॉर्मल सी देखो, मैंने बै 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 को किया, समझ गए होंगे क्या बोलेंगे? बैसे बैंगन, बैसे बैंगनी, बैसे बिट्टा, बैसे विटामिन। क्या बोलेंगे? बैसे बैंगन, बैसे बैंगनी, बैसे बिट्टा, बैसे विटामिन। बैंगन का बैंगनी रंग बिट्टा विटामिन के कारण से होता है। समझ में आ गई होगी? अगर पूछ ले जाए गाय के दूध का हल्का पीला रंग या आम का हल्का पीला रंग, कौन सा हल्का पीला रंग होता है इसका? कौन सा होता है बच्चों? गाय के दूध का हल्का पीला रंग या आम के हल्का पीला रंग किसके कारण से होता है? तो ये अल्फा कैरोटीन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? अल्फा कैरोटीन के कारण से। ये अल्फा इस तरीके का संकेत होता है, सिंबल होता है। देखो खुद बता रहे हैं, सारी की सारी चीजें हमें याद करनी है। क्या बोलेंगे? गाय या आम का दूध का हल्का पीला रंग अल्फा के कारण से होता है। क्या बोलेंगे? हल्का, अल्फा, अल्फा, हल्का। गाय के दूध का हल्का पीला रंग अल्फा कैरोटीन के कारण से होता है। तो हल्का, अल्फा, अल्फा, हल्का। हल्का नहीं कह रहा, हल्का कह रहा हूं। हल्का अल्फा कैरोटीन के कारण से होता है। तो इसके बाद में देखिए, हल्दी का पीला रंग क्यूमीन या करक्यूमीन के कारण से होता है। हल्दी का पीला रंग तो सभी ने देखा ही है, नहीं देखा? ये मेरे टी शर्ट का रंग देख लीजिए, रंग पीला ही है। तो हल्दी का पीला रंग किसके कारण से होता है? क्यूमीन या करक्यूमीन के कारण से होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हल्दी का पीला रंग क्यूमीन या करक्यूमीन के कारण से। एक का तो रट्टा मार ही लोगे कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण से होता है? क्यूमीन या करक्यूमीन के कारण से। चलो नहीं याद होता तो तरीका बदलिए, अपने आप याद हो जाएगा। जो भुगत भोगी है, समझते हो भुगत भोगी? नहीं, जो मैरिड होते हैं उनको भुगत भोगी बोलता हूं मैं। तो देखो हल्दी का पीला रंग क्यूमीन या करक्यूमीन के कारण से होता है। बाय द वे भूल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छा बताया आपने, हल्दी का पीला रंग क्यूमीन या के। जो भुगत भोगी है वो कहते हैं मेरे हाथ हल्दी से पीले क्यों किए, क्यों किए, किए कि नहीं किए? हल्दी का पीला रंग क्यूमीन कि मेरे हाथ हल्दी से पीले क्यों किए, क्यों किए? तो क्यूमीन, क्यों, क्यों से क्या बनेगा? क्यूमीन। तो हल्दी के पीले हाथ क्यों किए? क्यूमीन के कारण से हल्दी का पीला रंग होता है। ये है हमारा लवक का दूसरा पार्ट हमारा, जो कि क्या कहलाता है? वर्णी लवक, जिसमें हमारे हरे रंग के अलावा सारे के सारे वर्णक शामिल होते हैं। देखिए वर्णी लवकों के अंदर सबसे पहले देखा जाए तो इनमें रंग प्रदान करने वाले वर्णक होते हैं, यानी जो रंग देते हैं हमें हरे रंग के अलावा।
पादपों में पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो पादपों में पाए जाते हैं बच्चों ये हमारे, एक तो जो फलों के अंदर, जो फलों के छिलके कह दो या फलों के अंदर भिन्न भिन्न रंगों के फल होते हैं, तो उनमें कौन से पाए जाते हैं, हमारे यही वर्णिलोक पाए जाते हैं। दूसरा जो पुष्प फ्लावर होते हैं, उन्हीं फ्लावर पुष्पों के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, और उन्हीं में कौन सा होता है, वर्णिलवक होते हैं हमारे। तो वर्णिलोक में कि कौन कौन सा रंग किसके कारण से, हमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, बस ये ध्यान आ जाएंगे तो बाकी हम अपने आप कर देंगे। तो गाजर का लाल रंग बीटा कैरोटीन, कि बीटू कैरेट भर भर के क्या खाता है, गाजर। दूसरा टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है, तो टमाटर का लाल रंग, टमाटर को तो सभी क्या करते हैं बच्चों, लाइक करते हैं, करते हो कि नहीं करते हो। तीसरा देखिए हमारा बैंगन का बैंगनी रंग, बी से बैंगन, बी से बिटा, बी से बिटा, बी से बैंगनी और बी से बिटानिन, तो बैंगन का बैंगनी रंग बिटा बिटा तरीके होने चाहिए, इसीलिए इस बै को मैंने गहरा किया ताकि पढ़ते टाइम, एग्जाम के टाइम सिर्फ आपको ये वर्ड ध्यान आए कि बैंगन, बैंगनी, बिटार, बिटानिन, अपने आप याद हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं। गाय के दूध का या आम के दूध का हल्का पीला रंग अल्फा के कारण से होता है, और हल्दी का पीला रंग कि मेरे हाथ हल्दी से पीले, क्यों किए तो क्यू मीन या कर क्यू मीन के कारण से। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक जो हमारा लवक का दूसरा प्रकार वर्णिल। तीसरे प्रकार पे चलते हैं जिसे कहते हैं हम हरित लवक, जो हरे रंग का वर्णक होता है वो क्या कहलाता है, हरित लवक कहलाता है। तो हरित लवक पे चलते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। वैसे प्रकाश संश्लेषण में पूरा का पूरा हरित लवक पढ़ना होगा, उसी हरित लवक पे कुछ बातें देखिए आपके सामने कि क्या होता है हरित लवक। तो इसे हमारे लवक का तीसरा प्रकार होता है जिसको कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, हरित ऋषि नहीं है ये, हरित लवक है। कौन सा है, हरित लवक। इसी को कहते हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। अगर देखो लवक की खोज तो हीकल ने की थी, परंतु इस हरित लवक पे मेनली जो अध्ययन किया था ना, हरित लवक पे जो अध्ययन किया था, जो स्टडी की थी, वो अध्ययन किया था सिंपर नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, सिंपर ने किया था, सिंपर ने इस पे अध्ययन किया था जी। किस वैज्ञानिक ने, सिंपर ने इस पे अध्ययन किया था। नॉर्मल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है हरित लवक, पूरी डीप में स्टडी करनी पड़ेगी हमें। तो लवक की खोज तो हीकल ने की थी, परंतु हरित लोक पे मेनली जो अध्ययन किया था बाद में, वो किस नामक वैज्ञानिक ने किया था, सिंपर ने। नॉर्मल सी बात है, हरित लोक की संरचना भी बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ा है हमारा सामने। तो देखिए हरित लोक पे अध्ययन करना इतना सिंपल नहीं था, इसलिए सिंपर ने अध्ययन किया था। क्या बोलेंगे, हरित लोक पे अध्ययन करना इतना सिंपल नहीं था, इसलिए सिंपर ने अध्ययन किया था जी। सिंपल नहीं था इसलिए किसने अध्ययन किया, सिंपर ने अध्ययन किया जी। हमारे हरित लोक में पाए जाते हैं जी हरे रंग का वर्णक। क्या पाए जाते हैं, हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं, का वर्णक, और इसी हरे रंग को वर्णक को कहते हैं क्लोरोफिल वर्णक। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल वर्णक होता है जो हरे रंग का। इसी क्लोरोफिल वर्णक में मैग्नीशियम आयन होता है, Mg+2 आयन। देखो सीधा अगर लिख दूं Mg तो ये तो मैग्नीशियम धातु हो जाती है, लेकिन मैग्नीशियम धातु की बजाय क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम वर्णक आयन पाए जाते हैं, Mg+2 मैग्नीशियम आयन पाए जाता है। कौन सा पाया जाता है बच्चों, मैग्नीशियम आयन। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक के अंदर मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। इसके बाद में हरित लवक देखा जाए तो दोहरी झिल्लीयुक्त होता है। कैसा होता है बच्चों, दोहरी झिल्लीयुक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, दो झिल्लियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, तो जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, सेम का सेम वही बात है। हरित लवक कैसा होता है, दोहरी झिल्ली। हरित लवक में दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं बच्चों, दो भाग होते हैं। हरित लवक कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं जी हमारे। देखिए हरित लवक की संरचना देखी जाए तो कुछ इस तरीके से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसी संरचना थी लगभग वैसी ही इसमें, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली कुछ स्थानों पे अंतर्वलित हो जाती थी, यहाँ अंतर्वलित नहीं होती।
दोहरी झिल्ली होती है, ये बाहरी झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। इसी हरित लौह के अंदर सिक्कों के ऊपर जैसे सिक्के ढेर रखे होते हैं वैसे अनेक ढेर दिखाई देते हैं। सिक्कों के ऊपर सिक्के जैसे रखे होते हैं, कॉइन्स पे कॉइन रखे हुए हैं वैसी संरचना दिखाई देती है। कुछ कॉइन ऐसे भी होते हैं। इस तरीके से हमें सिक्कों के ऊपर जैसे सिक्के ढेर रखे होते हैं वैसी संरचना दिखाई देती है हमें। इस तरीके खूब सारे बहुत सारे ढेर दिखाई देते हैं हमें इस तरीके से। तो ये इस तरीके से ढेर दिखाई देते हैं। दो भाग देखो, दोहरी झिल्ली दो ही भाग, दो भागों में ये जो हमारा एक पूरा कॉइन का जो ढेर होता है दो भागों में, पहला जो भाग होता है ये कहलाता है ग्रेना भाग। क्या कहलाता है बच्चों? ग्रेना। होता कौन सा है? जो ये पूरा एक ढेर होता है इसी ढेर को क्या कहा जाता है? ग्रेना भाग। इसी ग्रेना भाग के अंदर हरित रंग के वर्णक यानी क्लोरोफिल मैग्नीशियम आयन युक्त वर्णक पाए जाते हैं। दूसरा देखिए, अगर हमने इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है और उसी लिक्विड को पूरा भरा रहता है, उसी का दूसरा जो भाग होता है सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड भाग जो होता है इसका, वो कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है बच्चों? स्ट्रोमा, या इसे पीठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठिका। हिंदी में पीठिका कहते हैं, हमें स्ट्रोमा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? स्ट्रोमा। एक भाग होता है ग्रेना जिसमें ग्रीन यानी हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, दूसरा भाग होता है स्ट्रोमा जिसको पीठिका कहते हैं। ग्रेना भाग के अंदर हमारे प्रकाश संश्लेषण की फर्स्ट रिएक्शन संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की कौन सी होती है? संश्लेषण की फर्स्ट रिएक्शन संपन्न होती है। कौन सी फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे संपन्न होती है? पहली अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, एक प्रकाशीय अभिक्रिया एक अपघय। तो प्रकाश संश्लेषण की फर्स्ट रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना भाग में। जबकि स्ट्रोमा भाग में क्या होता जी? प्रकाश संश्लेषण की द्वितीय रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की सेकंड रिएक्शन संपन्न होती है यहाँ पे। कौन सी होती है? सेकंड रिएक्शन संपन्न होती है जी। दो अभिक्रियाएं संपन्न होती है, दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा ही अंत में क्या बनता है हमारे? हरित लवक के द्वारा भोजन का निर्माण। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या हो काम होता है बच्चों? कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। किसके द्वारा? प्रकाश। दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होगी तो अंत में क्या हो जाएगा? भोजन का निर्माण। यानी भोज्य पदार्थ कब बनेंगे? जब ये पूरी अभिक्रिया संपन्न होगी तो क्या बन जाएगा? भोज्य। इसी हरित लौक में पाया जाता है वर्ताकार डीएनए। क्या पाया जाता है बच्चों? वर्तुल डीएनए। कौन सा? वर्तुल डीएनए, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में वर्तुल डीएनए पड़ा था, सेम डिट्टो का डिट्टो यहाँ पे क्या पाया जाता है? वर्तुल यानी वर्ताकार एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो कि पूर्ण विकसित नहीं। इसी हमारे क्लोरोप्लास्ट हरित लौक के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना यानी प्रोटीन संश्लेषण। इन्हीं दोनों संरचनाओं के कारण से हरित लवक को कहा जाता है। किसको? इस हरित लवक को कहा जाता है दोनों संरचनाओं के कारण से अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, हाफ ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाता है। यानी ऐसा कोशिकांग जो आधी अपनी चलाने ले, यानी ये आधा स्वतंत्र अर्ध स्वायत्त, स्वायत्त में स्वतंत्र, अर्ध में आधा, आधा स्वतंत्र हो जाता है, ये हाफ ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है। इसी हरित लवक को कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। क्या कहा जाता है बच्चों? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे घरों में भोजन कहाँ बनता है? रसोई में। जबकि पादपों में भोजन कहाँ बनता है? इस हरित लवक के अंदर। इसलिए कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? हरित लवक को। किसको कहा जाता है? हरित लवक। हरित लवक को क्या कहा जाता है? अर्धस्वायत्त। तो माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेरिजन करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त, हरित लवक भी दोहरी झिल्ली युक्त। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो भाग, हरित लवक में भी दो भाग। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो अभिक्रियाएं संपन्न होती है, यानी श्वसन का दूसरा और तीसरा चरण चलता है जी हमारे।
वहां पे भी दो अभिक्रिया दो चरण चलते हैं, यहाँ पे भी दो अभिक्रिया संपन्न होती है, एक प्रकाश संश्लेषण की फर्स्ट रिएक्शन, दूसरी प्रकाश संश्लेषण की सेकंड रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी वर्तुल डीएनए या वर्ताकार डीएनए तथा 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि हरित लौक में भी वर्तुल डीएनए तथा 70S प्रकार के राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को इन्हीं दोनों संरचनाओं के आधार पर अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा था, तो हरित लौक को भी क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। लेकिन एक अंतर है, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को तोड़ के ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि ये ऊर्जा खर्च करके भोजन का निर्माण करता है। वो भोजन को माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ता है, जबकि हरित लोक भोजन का निर्माण करता है। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।